और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब खबरें गणेश उत्सव से जुड़ी। मुंबई में नजर आ रही गणेश चतुर्थी की धूम, जुहू चौपाटी में लोगों ने किया गणपति का विसर्जन, बप्पा की आरती उतारी गई। मुंबई में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने किया गणपति विसर्जन, गणेश चतुर्थी पर बप्पा को अपने घर लाई थी शिल्पा, शिल्पा ने नम आंखों से गणपति बप्पा को विदाई। शिल्पा शेट्टी के घर पर गणपति महोत्सव का आयोजन, ढोल की थाप पर शिल्पा शेट्टी ने लगाए जमकर ठुमके, गणेश की भक्ति में रमी नजर आई शिल्पा। गणपति की विदाई के मौके पर शिल्पा शेट्टी के साथ राज कुंद्रा भी नजर आए, राज कुंद्रा ने पहना हुआ था मास्क। गणपति की विदाई से पहले शिल्पा शेट्टी ने बजाए ढोल, गणपति की भक्ति में डूबी नजर आई शिल्पा, मराठी अंदाज में लगाए झुमके। गुजरात के सूरत में सजा गणपति का पंडाल, मैसूर महल की थीम पर बना गणेश पंडाल, लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने परिवार के साथ किया गणपति विसर्जन, ठाणे में गणपति विसर्जन में पहुंचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का परिवार, गणपति को दी गई विदाई। महाराष्ट्र के घाटकोपर इलाके में मेट्रो ट्रेन की थीम पर बना गणेश पंडाल, पिछले 12 साल से हो रहा गणपति महोत्सव का आयोजन, पहले डबल डेकर बस और लोकल ट्रेन थी। और चलिए अब आपको 9 सेकंड न्यूज में खबरें खेल से जुड़ी हुई दिखाते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का एंथम सॉन्ग रिलीज, आईसीसी ने रिलीज किया वर्ल्ड कप एंथम, 5 अक्टूबर से होने जा रही विश्व कप की शुरुआत। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।